evolution person, evolution biology. Make an assignment about apoptosis and cancer biology. Make your own notes. Okay. Then send it to me by Thursday. Okay. Reference you can use NCBI or Bruce Elbert and Science Direct's Bruce Elbert book, Science Direct, and some other cell biology standard books. Okay. Okay, so first question is that the enzyme, ये ऐसे ही ऐसे करके मैं practice कराऊंगा आप किसी भी topic से, not necessary कि एक particular topic होगा, ये पूरा mix up रहेगा, ठीक है? तो ये practice session, the enzyme responsible for removal of DNA supercoils is option A, helicase, option B, topoisomerase, option C, DNA chirase, DNA ligase, option 4, DNA pol. 15 second time. Correct. So option B. Very good, everyone. Very good. Question number 2. Phenyl ketonuria is caused by dysfunction of phenylalanine hydroxylase, phenylalanine monooxygenase. सबका नंबर कैलकुलेट करना, ठीक है? कितना राइट और रॉन्ग हो रहा है मुझे बताना बाद में. फिनाइलएलानिन म्यूटेज, चल फिनाइलएलानिन डीऑक्सीजिनेस. ओके आंसर 15 सेकंड. जल्दी जल्दी बताओ, 15 सेकंड. बता दो आंसर.
वेरी गुड, ऑप्शन ए, वेरी गुड। सब सब लोग चैट पे आंसर लिखना अपना अपना। ओके, माइकलिस मेंशन कांस्टेंट और के एम इज रिलेटेड टू एंजाइम एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। टू एंजाइम्स एक्टिविटी फॉर द सबस्ट्रेट। थर्ड एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी फॉर द सबस्ट्रेट। एंजाइम्स सिलेक्टिविटी फॉर द सबस्ट्रेट। ओके, सो चूज वाइजली। फिफ्टीन सेकेंड। जल्दी जल्दी जल्दी, यस करेक्ट करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। टेन सेकेंड। सब लोग जल्दी। सुष्मिता मेघा, व्हाट विल बी द आंसर? रेशमा, अनिश्ता, वाई ऑप्शन डी।
सर मैं इनके बीच में कंफ्यूज हो गई थी। CMV ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है तो ये नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन फाइव। मैच कर लो, ठीक है? और एक के बाद एक आंसर लिखना। क्वेश्चन नंबर देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर उसके बाद आंसर। ए से फाइव क्वेश्चन नंबर देना, उसके बाद आंसर लिखो। सर 2113 ऐसा क्या? BAB करके लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करके आंसर देना है। सो यस, ट्रांसलेशन किधर होता है? ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन, यू ऑल नो दैट रेप्लिकेशन न्यूक्लियस, एडिपी सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया और ये स्ट्रोमा में। सही आंसर सबने बोला।
स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी रिश्मा आंसर क्या होगा? सौभिक गुड पूरा नहीं लिख रहा हूं ठीक है
एमसीक्यू करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। डॉलर करेक्ट। गुड।
ठीक है, ये मैच कर लो, चार को इसमें से कौन कौन होगा आंसर। 20 सेकंड। वेरी गुड। वेरी गुड। सो Q1 Q6 R5 S2, राइट?
वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट. ये आंसर सबने नहीं दिया, टाइम इज अप. क्या होगा आंसर? टू स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, टाइम्स अप. और कोई आंसर नहीं लूंगा. ये क्या होता है, इंट्रा और इंटर क्या होता है, सही से बताओ. इंट्रा इंटर नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ओके, नॉट इंटर.
ये लिख लो जल्दी। जल्दी गुड बी आंसर, क्योंकि म्यूकस और कौन व्हिच सेल सीक्रेट्स म्यूकस व्हिच टाइप ऑफ सेल्स सीक्रेट्स म्यूकस। हजार बार बोला ना मैंने, कौन सा ऐसा सेल है जो म्यूकस सीक्रेट करता है? तो ये बोलने में 2 मिनट क्यों लगाए? गॉबलेट सेल्स। अगर एक क्वेश्चन किया जाए तो म्यूकस के कंपोनेंट क्या होता है, डू यू नो म्यूकस का कंपोनेंट क्या होता है? चलो छोड़ दी, तो
जल्दी Good. It is also correct. इसका आंसर क्या होगा? B. The question will be 16. 16. 15 था ना? 14 था? 13 के बाद 14 बोलो 20 सेकंड्स हो गया जल्दी जल्दी बताओ दो सेकंड के 3 सेकंड का अंदर आंसर चाहिए जल्दी टाइम सब आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी आंसर बहुत इजी था क्या होगा टोनोप्लास्ट क्या लगता है टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट है क्या चीज टोनोप्लास्ट क्या होगा इसमें तो अगर ये पता नहीं है टोनोप्लास्ट तो जो पता है उसको करो पारोक्सिजोम इसको पता है क्या हाँ लिपिड बायोसिंथेसिस पारोक्सिजोम लिपिड बायोसिंथेसिस करता है किसी के पास ये जवाब नहीं है क्या
पैरोक्सिज्म क्या करता है? सो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में, बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। अरे यार, रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इसके बारे में बोला था ना? हाँ, तो ये लाइसोजोम, ये तो पता होगा ना, लाइसोजोम क्या करता है, क्या करता है लाइसोजोम इसमें से? प्रोटीन डिग्रेडेशन। हाँ, तो प्रोटीन डिग्रेडेशन यहाँ पे लगा लो। अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो कोई भी मिला जुला कर कर लेते सब, लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना। स्पेरोजोम, डू यू नो व्हाट इज स्पेरोजोम? स्पेरोजोम लिपिड बायोसिंथेसिस होगा। इट इज नोन एज द प्लांट प्लांट लाइसोजोम। स्पेरोजोम इज नोन एज प्लांट्स लाइसोजोम। ओके, सो अगर ये हो गया, ये ठीक है, तो लाइसोजोम प्रोटीन डिग्रेडेशन हो गया दो, तो स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड लिपिड बायोसिंथेसिस, तो ये दोनों में क्या होगा? ठीक है, तो टोनोप्लास जो है, टोनोप्लास वैक्यूल को कवर अप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च स्टोर होता है, स्टार्च, और ये स्पेरोजोम जो है वो है लिपिड बायोसिंथेसिस। दे आर द स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर ऑर्गेनेल्स, स्मॉलर ऑर्गेनेल्स कवर्ड अप बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो पी हो गया 3, ठीक है, क्यू हो गया 4, आर हो गया 2, एस हो गया 1। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर इसमें से एनी टू होगा, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन। ठीक है, एमिनो एसिड्स। पॉम्स स्टेरॉइड ग्लाइकोप्रोटीन एनी टू, तो ये पे दो ब्लैंक्स है, इसको फिल करो 15 सेकंड टाइम। जल्दी आंसर चाहिए मुझे।
टाइम इज अप। सब लोग स्टेरॉयड में क्यों जुड़े हुए हो? स्टेरॉयड मैंने सिर्फ या फिर क्या बोला, अगर सिंपल कोलेस्ट्रॉल रहता, सिंपल कोलेस्ट्रॉल, तो वो आंसर हो जाता, लेकिन सभी तो स्टेरॉयड नहीं होता। लेकिन अगर लिपिड की बात किया जाए तो यहाँ पे सभी लिपिड, ठीक है, लिपिड उसका स्ट्रक्चर, फैटी एसिड उसका जो चेन है, ठीक है, और कैसे इस ओरिएंटेशन है इसके, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में। सो प्रोटीन एंड लिपिड विद आंसर, ओके। फिफ्टीन सेकेंड, जल्दी। ओके, सो एवरीवन इज करेक्ट। पारोक्सिज्म डिटॉक्सिफिकेशन, अभी अभी तो हुआ है डिस्कशन इसके ऊपर, प्रोटीन ग्रेडियंट, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपोब्लास्ट, स्टोरेज ऑफ स्टार्च ग्रैनुल्स। कौन है?
जल्दी क्या ये मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं क्यों मल्टीपल बोलो क्या आंसर होगा ओ सही तो बोला लास्ट क्वेश्चन
चार बिट ट्वेंटी मिनट नहीं 20 सेकेंड ओके Okay. Time is up now. So answer would be threonine. Do you know the structure of threonine? Threonine का structure क्या होता है बोलो. मैं लिख देता हूँ बाकी तुम ही बताना. Okay. So यहाँ पे as usual NH2 CCOOH यहाँ पे रहेगा H यहाँ पे क्या रहेगा क्या होगा? COOH3. H C H हो गया तो कितना इसमें देखो तो कितना इस पे कायरल कार्बन है कितना देख रहे सही तो बताया ना दो ही तो बताया ना नो आइसोलेशन का स्ट्रक्चर अब देखो NH3 और NH2 कुछ भी लिख सकते हो ओके यहाँ पे लिखो यहाँ पे एच सी डब्लू माइनस आर ग्रुप क्या होगा CCH3H CH2CH3 यस ये हो गया आइसो लिप्सिन ये दोनों का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ओके सो टायरोसिन टायरोसिन को पता पाओगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन वेरी इजी फिनाइल ग्रुप और ओएच यस द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन मॉलिक्यूल इज CH NH3 प्लस सी डबल ओ माइनस CH2 ओके दिस वन इज tyrosine okay now comes to the tryptophan molecule tryptophan amino acid structure of tryptophan right what is the structure do you know indolding yes is not very easy right बट इजी तरीके से बताया था किसी को पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने बताया था कैसे करना है इसको यहाँ पे CH2 राइट CH2 देन यहाँ पे क्या बनाना है एक मंदिर बनाना है दो मंदिर ऐसे ठीक है दिस वन इज ट्रिप्टोफैन और ट्रिप्टोफैन को कैसे लिखा जाता है W W से इसको लिखा जाता है राइट उसके बाद ट्रिप्टोफैन उसके बाद देखो तो हिस्टिडीन मॉलिक्यूल हिस्टिडीन स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है यस तो यहाँ पे सी लगा दो डबल बॉन्ड एच यहाँ पे NH CH N अंडरस्टूड हो गया डबल बॉन्ड इसमें तो ये तो बात है ना हिस्टिडीन और फिर क्या था ग्लाइसिन यू ऑल नो दैट आर ग्रुप इज एच मिथियोनिन इज CH3 आर ग्रुप इज CH3 राइट एंड ल्यूसिन
structure of leucine. So do you know the structure of leucine? CH2CH, CH3CH3. Yes. So leucine structure. With a leucine. Okay, now calculate your marks. How many correct and incorrect answers?